हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल के एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि अगर आपके भी फ़ोन में रनिंग आउट स्टोरेज आ रहा है, अगर आप में बहुत सारे फाइल और डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कि आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा जो है फाइल आपका स्टोरेज यहाँ पर से शो जो भर रहा है, और जिसकी वजह से अगर आपके इन फ्यूचर में आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए या फिर अगर चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर से व्हाट्सएप खोल लेना है, क्योंकि ये व्हाट्सएप का यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको जाना है, अपने आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप आइकन पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको चले जाना है स्टोरेज एंड डेटा। स्टोरेज एंड डेटा पर जब आप जब जाते हैं तो इसके बाद आपको सबसे पहले जो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा मीडिया ऑटो डाउनलोड, तो यहाँ पर से आपको ये तीनों ऑप्शन जो है आपको डिसेबल करके रखना है, व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई और व्हेन रोमिंग। ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर से बंद करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये अनचाही चीज़ों को भी व्हाट्सएप यहाँ पर डाउनलोड कर देता है। अगर आपने ये वाले ऑप्शन को अगर यहाँ पर से अगर मान लीजिए अगर आपने तीनों चारों में से किसी में भी यहाँ पर अगर टिक करके रख रखा है आपने, तो मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप इन सब ऑप्शनों को यहाँ पर से डिसेबल करके रख लें, जिससे कि यहाँ पर कोई भी फाइल जो है मीडिया फाइल या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो अगर कोई भेजता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो स्टोरेज भरता है वो अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो रखे हैं तो उस ग्रुप पर आने वाली बहुत सारी फाइलों की वजह से ही आपके फ़ोन के स्टोरेज जो है वो यहाँ पर से फिल होते हैं। तो इनको आपको यहाँ पर से डिसेबल कर लेना है। जब तक आप उस अगर कोई फाइल अगर आपके ग्रुप पे या फिर अगर आपको भेजता है उस पर जब तक आप क्लिक नहीं करते हैं तब तक वो फाइल आपके में डाउनलोड ना हो, ये ऐसा ही ऑप्शन है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड पर चले जाना है मैनेज स्टोरेज पे। जैसे आप मैनेज स्टोरेज पर जाते हैं तो इसके बाद यहाँ पर से थोड़ा सा ये टाइम लेगा और इसके बाद यहाँ पर से आपको शो कर देगा कि पर्सनली कौन से वाले चैट कौन से नंबर के साथ जो आपके स्टोरेज है वो सबसे ज़्यादा शेयर आप कर रहे हैं, मतलब कौन से चैट पर सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट फाइल या दूसरे फाइल मीडिया फाइल है वो यहाँ पर से अभी शो हो जाएगा। मतलब कि थोड़ा सा आपको मैनेज करने में टाइम लेता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि हमारे में जो व्हाट्सएप है उसमें से 1.8 GB फ्री है और 1.9 GB जो है वो यूज हो रखे हैं, तो इसमें यहाँ पर से आपको दिखा देगा। जैसे ये देखिए लार्जर देन 5 MB, 5 MB से जो भी ज़्यादा के फाइलें हैं वो आपको इस वाला ऑप्शन में मिल जाता है। यहाँ पर से ये फाइल देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से इन्हें एक एक करके देख के डिलीट कर सकते हैं या सेलेक्ट ऑल करके, अगर आपको इनमें से कोई नहीं पसंद है तो यहाँ से आप सिंपली इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पर से बैक चले जाना है, और या फिर आप यहाँ नीचे जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपली आप पर्सनली एक एक चैट पर क्लिक करके यहाँ पर से देख सकते हैं। जैसे हमने इस चैट पर क्लिक करा तो हमारे इस चैट के थ्रू इस नंबर के थ्रू कितने फाइलें हमारे सिस्टम पर हमारे मोबाइल फ़ोन में आए हैं वो यहाँ पर से शो हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि कौन सा फाइल आपके काम का है नहीं है, उसको डिलीट कर सकते हैं। आप एक एक करके भी यहाँ पर से चेक करके डिलीट कर सकते हैं या सेलेक्ट ऑल करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये था दूसरा मेथड। इसके अलावा जो यहाँ पर तीसरा मेथड है कि जैसे आपको मैंने टर्न ऑफ करके बोला था कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड जो फाइलें हैं वो यहाँ पर से ऑन कर लीजिए, उसी तरीके से यहाँ पर एक और टूल्स टू सेव स्पेस जो ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है इस वाले में, टर्न ऑन डिसअपेयरिंग मैसेजेस, तो इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर से अगर आप चाहें तो कुछ चैट या फिर कुछ ग्रुप पर जिस पर कि आपको पता है कि बस कभी कभार के लिए ये इस पर फाइलें आती हैं जो कि काम की होती हैं, वैसे ऑटोमेटिकली अगर नहीं भी अगर वो फाइलें देखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको आपको डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर जो है उसको यहाँ पर से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके 24 घंटे 7 दिन 90 दिन या फिर ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम 7 दिन का आप यहाँ पर सेलेक्ट करके चलिए अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो रखे हैं, क्योंकि 7 दिन के अंदर आप किसी न किसी दिन उस फाइल को देख ही लोगे। उसके बाद अगर आप ज़रूरी रहा तो आप उसको सेव कर लीजिए, अगर नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। तो ये करके रखिए। तो यहाँ पर देखिए अगर जितने चैट पर आपने ये अप्लाई करके रखा होगा ये सेपेयरिंग मैसेज टाइमर वाला, वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर करना चाहता हूँ या इस पर करना चाहता हूँ, इस पर करना चाहता हूँ, इस पर करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट करके आप सिंपली यहाँ से चेक मार्क कर दीजिए। तो ये आपके में जो है ये डिसअपेयरिंग मैसेज वाला जो सेटिंग है वो आपके में इनेबल हो जाएगा कि इन इन चैटों पर जो है डिसअपेयरिंग मैसेज इनेबल है। और यहाँ पर से देखिए आपके में ये घड़ी जैसा जो मार्क्स है वो चेक मार्क के पास ये ऐसा शो करने लग जाएगा। तो दोस्तों ये थे तरीके जिसकी मदद से अगर आप यहाँ पर से अपने फ़ोन जो व्हाट्सएप स्टोरेज है उसको थोड़ा सा अगर कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर इन फ्यूचर अगर भरने वाला है तो उसको भरने से आप यहाँ पर से इसको बचा सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से अगर कोई सा भी मेथड अगर आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है तो
थोड़ा बहुत इनको आपको देखना पड़ेगा आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर फ़ोन का थोड़ा बहुत जो सेटिंग है वो इधर उधर होता है, तो उसका थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं बाय सब्सक्राइबिंग द सब्सक्राइब बटन। एंड मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।